टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आत्महत्या मामले में शिवसेना के वन मंत्री संजय राठौर के खिलाफ जारी दुष्प्रचार को रोकने के उद्देश्य से मंगलवार को बंजारा समाज बंधुओं द्वारा दिग्रस तहसील कार्यालय पर मुक मोर्चा निकाला गया, जहां हजारों की तादाद में उमड़े समाज बंधुओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर बीजेपी पर समाज और संजय राठौर की बदनामी का आरोप करते हुए पुरजोर तरीके से संजय राठौर का समर्थन किया। मंगलवार सुबह से देर शाम तक शिवसेना के वन मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे को लेकर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर कई तरह के तर्क वितर्क और कयासों का दौर जारी था। इस बीच दोपहर करीब 1 बजे दिग्रस तहसील पर बंजारा समाज का जन सैलाब मोर्चे की शक्ल में उमड़ आया। यहां हजारों की तादाद में तहसील के कोने कोने से पहुंचे बंजारा समाज के पुरुष तथा महिलाओं सहित संजय राठौड़ समर्थकों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में वन मंत्री संजय राठौड़ का नाम पूजा चौहान आत्महत्या मामले में जोड़कर कथित ऑडियो क्लिप्स वायरल करने वालों पर लगाम लगाने और समाज तथा मंत्री की बदनामी को रोकने की मांग की गई। इस दौरान बीसीएन संवाददाता जुबैर खान ने संजय राठौड़ के समर्थकों से बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। वन मंत्री और यवतमाल जिले के जो अभिभावक मंत्री हैं संजय राठौड़ जी, इनका एक ऑडियो क्लिप में जो नाम आया है और इनके नाम को लेकर जो प्रकरण सामने आया है पूजा चौहान की, उसमें मौत हुई थी, इसको लेकर जो अंदाजा जताया जा रहा था कि संजय राठौड़ का इसमें कुछ हाथ है या जो भी इस तरह के कयास जताए जा रहे थे, इसके खिलाफ में बंजारा समाज जो है आज रास्ते पर उतर कर आया है और दिग्रस तहसील में बंजारा समाज आज एकत्रित हुआ है और जो कयास जताए जा रहे हैं उन पर हम बंजारा जो बंधु हैं अपने उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मैं श्री कन्वर सिंह से, वैसा बहू का कोई कहना नहीं, बहू का निर्दोष है, बहू पर आरोप खोटे लगाए जा रहे हैं, सब सबके साथ है, वो सब समाज को लेकर चलते, सब झूठे बात है, सब झूठे आरोप है। उसने आत्महत्या करी वो उसका अलग विषय है, लेकिन भू को उसको जोड़े जा रहा, बदनाम कर रहा, भू का कोई विषय नहीं इसमें, सब भू के साथ में है, सब समाज का। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाऊ राजीनामा दे रहे हैं या उनका नाम इसमें उछाला जा रहा है? अभी मेरा नाम उत्तम यादव आरंभी, अभी जो फिलहाल भाऊ पर जो इल्जाम लगा रहे सब झूठ है। भाऊ सबका नेता है, सबके लिए रात दिन महिलाओं के लिए लेडीज के लिए सब काम करता है और वो ऐसा काम नहीं करने वाला, वो निर्दोष है। हमारे पूरे दिग्रस तालुका यवतमाल जिले वाले सब भाई समाज वाले उस पर दया करते हैं और सबका काम कर रहा हुआ हमारा नेता है, उस पर जो इल्जाम है वो झूठ है, उसको निर्दोष करने का हम सब लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? सदर मोर्चा मध्ये हा विशिष्ट बंजारी समाज सहभागी नाही झालेला आहे, कारण मी हा एससी समाजाचं प्रतिनिधित्व करतो आणि मी सुद्धा या मोर्चामध्ये सहभागी झालेला आहे। इस मौके पर सौंपे गए ज्ञापन में टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की आत्महत्या पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए उसे न्याय दिलाने की बात भी राठौड़ समर्थकों ने दोहराई। वहीं बगैर किसी जांच पड़ताल और निष्कर्ष के इस मामले में वन मंत्री संजय राठौड़ का नाम जोड़कर कथित ऑडियो क्लिप्स को वायरल करने की हरकत को बंजारा समाज की बदनामी का षड्यंत्र करार देते हुए इसके लिए राजनीतिक विरोधियों अर्थात बीजेपी को दोषी करार दिया गया। हमारी कलकली भावना तहसीलदार साहेब सहमति मुख्यमंत्री ने जाई चाहूँ आणि हमारा संजय भाऊ राठोडे रो सम्मान परत आई चाहूँ आज हमार कलकली विनंती च महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सरकार ने बंजारा समाजे अन्याय मत करो, बंजारा समाजे जर अन्याय भी बहुजन समाज रो नेताच 18 पगड़ जाती रो नेताच से जाती रो धर्मे रो नेतृत्व करे वालो ई असो एक महान हमार समाज में जन्मे नाय वालो नेताच ये नेताप जर अन्याय वेत बंजारा समाज सवार वाटे पुत्रिय रस्ता पुत्रिय तमने ना पूरे महाराष्ट्र में पग मिले ना विरोधी पक्ष ने जागा मिले वालो जीचा ये हमारो आह्वान छ। जय सेवालाल, जय सेवालाल। माननीय संजय भाऊ राठौड़ यांच्यावर जे आरोप आहे ते चुकीचे आहे, त्याच्यासाठी आम्ही। जय सेवालाल। पूजा चव्हाण यांच्याबद्दल जी काही दुर्दैवी घटना घडली त्याबद्दल मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते। आमचे नेते श्री संजूभाऊ राठोड यांनी कोणत्याही प्रकारचे अमानवीय कृत्य केलेले नसून विरोधी पक्ष नेत्यांनी त्यांच्याबद्दल जो काही डाव रचलेला आहे आरोप केलेला आहे त्यांचा मी निषेध करते। बहरहाल देखना होगा कि आगामी समय में निष्पक्ष जांच और तफ्तीश के बाद कथित आत्महत्या मामले में संजय राठौड़ के खिलाफ जारी आरोप प्रत्यारोप और इस्तीफे की मांग का उलझनों से भरा यह सियासी सिलसिला कहां जाकर थमता है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।